बाकी सबका तो फिर भी ठीक है, पर मुझे शाहिद कपूर का रोल कुछ खास ज्यादा समझ नहीं आता भाई साहब। कभी अपनी फिल्म में बिल्कुल ही जंग लगा नशेड़ी बन जाता है, कभी ये खुद को चित्तौड़ का महाराजा महारावल रतन सिंह बताता है, कभी ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर स्वयं ही बन जाता है। तो अब तो भाई साहब ये अपनी अगली फिल्म के अंदर छक्के का रोल करने जा रहा है। ये क्या बात करता है यार। एक तो यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसे इतनी ज्यादा चुल क्यों मची पड़ी है। वो आखिर कौन सा कीड़ा है जो शाहिद कपूर के अंदर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इसे बड़े अच्छे से पता है भाई साहब कि आज की डेट में लोग इसके जैसे एक्टर्स और इसकी बॉलीवुड इंडस्ट्री का कितने भयानक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद भी इसको ढूंढ डांट कर एक यही रोल मिला। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब चलो यार मैं ये तो नहीं बोलता कि अगर कोई सचमुच में छक्का है तो वो कोई बहुत बुरी बात है, या समाज को उनको हीन भावना से देखना चाहिए, या उन लोगों का मजाक उड़ाना चाहिए। मगर आपत्ति की बात सचमुच में तब हो जाती है ना जब इसके जैसे एक्टर्स जिनकी घंटा नहीं कोई इज्जत करता है, जो इस तरह के घटिया रोल्स कर चुके हैं, जिसके बाद आम लोगों की नजरों में ये बॉलीवुडियाई भांड बड़े बुरे तरीके से गिर चुके हैं। वो लोग जब इस तरह का सीरियस रोल निभाने का मन बनाते हैं ना, तो असल में आम लोग उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहे होते भाई साहब, बल्कि इनके जैसे गंदे अंडों को फुर्सत से जलील कर रहे होते हैं। अब देखिए ना, इसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इसकी जितनी फिल्में आती हैं सीधे तौर पर फ्लॉप हो जाती हैं। अब अगर ऐसे में कोई बकलोल डायरेक्टर इसको 40 करोड़ रुपए ऑफर करके ये बोलेगा कि तुमको एक छक्के का रोल करना होगा, तो क्यों नहीं करेगा भाई साहब, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 40 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं है ना। और अभी अपने शाहिद कपूर ने भी बिल्कुल ऐसा ही करा है, इन्होंने 40 करोड़ रुपयों के बदले छक्के का रोल करना घपाक से चुन लिया है। अच्छा बात नहीं है। अब जैसी अपने इस सड़ेले हीरो की हाइट और वेट है, उसके उलट जाकर पता नहीं क्यों भाई साहब ये खुद को द ग्रेट खली समझने लग चुका है। कभी अपनी किसी फिल्म के अंदर माफिया टाइप गुंडा बन जाता है और दर्जनों लोगों को गोलियों से भुनाता है, तो कभी ये भाई साहब रोड साइड रोमियो बन जाता है और 15-15, 20-20 मुस्टंडों को अकेले ही पेलाता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पर अब तो भाई साहब इस फिल्मी चनूने ने कतई हद ही पार कर दी। सच बता रहा हूँ, जब से ये खबर निकल कर बाहर आई है ना कि शाहिद कपूर अपनी अगली फिल्म के अंदर छक्के का रोल करने जा रहा है, इस खबर को सोशल मीडिया पर देखते ही आम जनता बहुत ही ज्यादा खुश हुई पड़ी है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है भाई साहब कि अब जाकर आपने सही रोल चुना है, ये काम तो आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। आप तो मतलब झूठ मूड में ही ऐसे ऐसे वॉरियर्स टाइप रोल करके इतने सालों से आम जनता का पुद्दू काट रहे थे, क्योंकि जैसी आपकी कद काटी है ना भाई साहब, इतने बड़े बड़े रोल्स तो आप पर वैसे ही नहीं जचते। अब वो तो फिल्म पद्मावत को लेकर इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, और उसके ऊपर से इस नंगा स्वामी बोले तो रणवीर सिंह ने खिलजी का रोल जरा अच्छे से निभा दिया था, इसीलिए वो फिल्म हिट भी हो गई। वरना तो भाई साहब आपकी बाकी फिल्मों की तरह आपकी फिल्म पद्मावत भी फ्लॉप ही थी। और ये जो आप कबीर सिंह की सक्सेस पर इतना ज्यादा इतराते घूमते हो, वो भी तो आप लोगों का ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, उसे भी तो आप लोगों ने साउथ वालों से टपाया था ना, याद है कि याद दिलाऊं। अब ये जो आपकी नई फिल्म आने वाली है, अरे यार थोड़ी तो शर्म कर लो, इसे भी तुम लोगों ने एक मलयालम फिल्म से झाड़ लिया। अरे भाई साहब कब बनाओगे खुद का ओरिजिनल कंटेंट। Yeah.